hello student today we will learn the computer basics so let's start starts from basic components of computer there are four basic components of computer first one is input devices input devices are those devices which is used to input the data from the input devices in the computer इट हाउ टू टेल इट वॉट टू डू एक्चुअली जो इनपुट uh, डिवाइस है वो ये बताती हैं कि क्या करना है कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं समझता वो एक मशीन है तो uh, मतलब जो भी डेटा हम उसमें एंटर करना चाहते हैं वो हम इनपुट डिवाइसिस के थ्रू एंटर करेंगे तो जो कीबोर्ड एंड माउस है दी इज आर द स्टैंडर्ड वे टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर दी इज आर द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस और मोस्टली जो भी डेटा इनपुट कराना होता है तो हम मेनली कीबोर्ड और माउस ही यूज करते हैं तो दे आर मैनी इनपुट डिवाइसेस कैमरा टच स्क्रीन स्कैनर माइक्रोफोन जॉयस्टिक माउस कीबोर्ड वेब कैम ट्रैकबोल एट्सट्रा द सेकेंड बेसिक कॉम्पोनेंट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट which consists of the following features like cpu is also known as the brain of computer and it perform all types of the data processing operations as we know whenever we enter the data from input devices then that data will process through processing device and that is cpu and it store data intermediate results and in instructions also or ec cpu may he कंट्रोल यूनिट होती है और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है एलयू यू जो है वो मतलब जो भी है प्लस माइनस और डिवाइड एटसेट्रा करने के काम आता है और कंट्रोल यूनिट सभी डिवाइस को सभी पार्ट्स के कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है देन उसकी बात आता है वो तो डिवाइस क्या होता है इट शोज व्हाट इज डूंग मतलब हाउ इट शोज यू वॉट इज डूंग मतलब ये आपको दिखाता है कि क्या हुआ है मतलब आपने जो भी डेटा इंसर्ट किया था प्रोसेस होने के बाद वो डेटा कैसे डिस्प्ले हो रहा है वो चीज आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू शो होती है तो मॉनिटर जो है वो हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस है तो जैसा आपने देखा होगा इस टाइप से ये जो मॉनिटर है जो स्क्रीन है द स्क्रीन मॉनिटर मतलब स्क्रीन आप लोग देखते हो डेस्कटॉप uh, कंप्यूटर में भी जो स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर कहते हैं इट इज हाउ द कंप्यूटर बैक टू यू इससे क्या होता है कि आपने डेटा इंसर्ट किया डेटा प्रोसेस हुआ और आफ्टर दैट वो डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या रिजल्ट आया है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाता है एंड ऑल दीज आर आउटपुट डिवाइसेस वेब कैम स्पीकर माइक्रोफोन प्रिंटर Headphone, these are our output devices, and the last one is the last component is. एंड द फोर्थ वन कॉम्पोनेट इज स्टोरेज डिवाइसिस एंड मेमरी यूनिट इट शोज हाउ इट सेव डेटा एंड प्रोग्राम मतलब आप डेटा आपने कुछ भी डेटा प्रोसेस किया आपका जो भी रिजल्ट आया अगर इन फ्यूचर आप उसको यूज करना चाहते हो या दोबारा कभी भी लाइफ में यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है उस डेटा को स्टोर करना है कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है ये भी क्या है हार्डवेयर का एक पार्ट है तो uh, जैसे हार्ड डिस्क हुई एच मतलब हार्ड डिस्क सी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एस कार्ड कार्ड ड्राइव ब्लू रे डिस्क फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप एस एस डी ऑल दीज आर मेमरी यूनिट एंड ऑल दीज आर अवर स्टोरेज डिवाइसेस सो नाउ वी कैन सी हाउ कंप्यूटर वर्क इनपुट्स थ्रू इनपुट डिवाइस CPU means processing through CPU, output through output devices, and this data will store on or running on or store in memory. Thank you.